हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गजेंद्र कुमार फ्रॉम गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज चूरू। इन प्रीवियस लेक्चर वी सही स्टडी अबाउट हाइपोथायरायडिज्म और नाउ वी स्टडी अबाउट हाइपरथायरायडिज्म। हाइपर थायरॉयड ग्लैंड है, उसकी उसकी जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी है वो मैंने कल आपको बता दी थी। इस लेक्चर में हम हाइपरथायरायडिज्म है उस डिजीज की स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है? हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब इंक्रीज वो थायरॉयडिज्म, थायरॉयड हार्मोन। जब थायरॉयड हार्मोन का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा तो हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन बन जाएगी। ये अपने इसका मैंने देख लिया, अब इसकी जो नॉर्मल डेफिनेशन है उसकी बात कर लेते हैं। डेफिनेशन इसके बोल सकते हैं अपन, इंक्रीज थायरॉयड हार्मोन मतलब इट इज ए कंडीशन इन विच हाइपर एक्टिविटी ऑफ थायरॉयड ग्लैंड, क्योंकि थायरॉयड हार्मोन है वो थायरॉयड ग्लैंड से सीक्रेट हो रहा है, ठीक है। T3 और T4 थायरोक्सिन हार्मोन। तो हमने बता दिया कि इट इज ए कंडीशन इन विच हाइपर एक्टिविटी ऑफ थायरॉयड ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड की हाइपर एक्टिविटी होगी विच लीड्स टू इंक्रीज एंड रिलीज सीक्रेशन ऑफ थायरॉयड हार्मोन। मतलब हाइपर एक्टिविटी होगी थायरॉयड ग्लैंड की, वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा T3 और T4 का लेवल है उसको इंक्रीज करेगा। यदि वो लेवल इंक्रीज हो गया दैट्स लीड टू इंक्रीज BMR। BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट है, वो इंक्रीज हो जाएगी। कल बताया था बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है हार्ट को, जो अच्छी काम नहीं होती अनच्छी होती है, जो अपनी बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाती है, जैसे जो अपनी इच्छा से कंट्रोल नहीं होते हैं, जो अपनी इच्छा से कंट्रोल नहीं होते अपन उनको रोक नहीं सकते, ठीक है। जैसे रेस्पिरेशन हुआ, हार्ट बीट हो गई, सेलुलर मेटाबॉलिज्म हो गया, सो उनको एनर्जी प्रोवाइड करती है ताकि वो अपना जो काम है वर्क है वो रेगुलर मेंटेन बनाए रखे। तो हमने इसकी डेफिनेशन की बात कर ली, ठीक है। अब नॉर्मली ये फीमेल्स में होता है, जो फीमेल्स है उनमें ये कंडीशन देखने को मिलती है अपन को, ठीक है। और ये फीमेल्स में होता है 20 से 40 ग्रुप एज के, जो 20 से 40 एज के है उनमें पाए जाते हैं मेनली ये, ओके। ये इसका जो नॉर्मल बेसिक था वो देख लिया, इसकी डेफिनेशन देख ली, अब हम ईटियोलॉजी की बात कर लेते हैं, ओके फ्रेंड्स। तो ईटियोलॉजी में सबसे पहले हम थायराइड ट्यूमर है, थायरॉयड ट्यूमर हो रही है जी पेशेंट को। थायरॉयड ट्यूमर क्या होती है, जो थायरॉयड ग्लैंड है, ये थायरॉयड ग्लैंड है, इसमें ट्यूमर हो जाए, ट्यूमर कैंसर सेल्स, याद है ट्यूमर होगा तो इसकी जो सेल्स है फोलिकुलर सेल्स एक्सेसिव ग्रोथ क्यों हो रही है, क्योंकि ट्यूमर है, ट्यूमर सेल्स है, ट्यूमर सेल्स क्या करेगी, एक्सेसिव ग्रोथ करेगी, इसकी रिप्रोडक्शन ज्यादा होगा और इंक्रीज होगी, इनकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसमें हाइपरट्रॉफी या हाइपरप्लाजिया उनकी कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लाजिया की कंडीशन बन जाएगी क्योंकि जो ट्यूमर सेल है वो क्या करती है, प्रोडक्शन करती है और बार बार प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन करेगी, तो इनको जो सेल्स है उनकी साइज है उनकी पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी, ओके। तो यदि थायराइड है इसकी जो सेल्स है फॉलिकुलर सेल्स उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो टीएसएच है उसका फॉर्मेशन, सॉरी थायरोक्सिन है T3 और T4 उसका लेवल बढ़ेगा। यदि फॉलिकुलर सेल्स है वो ज्यादा हो रही है और आयोडीन तो वैसे भी ज्यादा है क्योंकि हाइपरथायरॉयडिज्म किसके कारण होता है, आयोडीन है, आयोडीन उसके एक्सेसिव अमाउंट से होता है, तो आयोडीन तो हमारे पास वैसे भी ज्यादा है और यहाँ पे थायरोक्सिन है जो ट्रिप्सिन है उसका लेवल भी इंक्रीज हो रहा है, तो आयोडीन और ट्रिप्सिन दोनों क्या बनाएगी, थायरॉयड हार्मोन का निर्माण कर देगी, ओके। नेक्स्ट इटियोलॉजी हम देखते हैं हाइपरपिट्यूटरीज्म। हाइपरपिट्यूटरीज्म मतलब
पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें कोई ट्रॉमा हो जाए, उसकी एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाए, यदि उसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी तो वो क्या करेगी, TSH है उसका सीक्रेशन ज्यादा कर देगी, और TSH का सीक्रेशन ज्यादा हो गया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो फॉलिकुलर सेल्स है वो T3 और T4 उसका सीक्रेशन ज्यादा करेगी, और इनका सीक्रेशन ज्यादा होती आयोडीन के साथ मिलके, सॉरी इनका सीक्रेशन ज्यादा हो जाएगा, ट्रिप्सिन और आयोडीन दोनों मिलके T3 और T4 का निर्माण कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार TSH का सीक्रेशन ज्यादा हो रहा है तो यह क्या करेगा, आयोडीन के साथ रिएक्शन करके T3 और T4 बना लेगा। ओके, ये हमने दो एटियोलॉजी देख ली थी, अब थर्ड एटियोलॉजी की बात करते हैं। हमने देखा था कि आयोडीन और ट्रिप्सिन दोनों मिलके T3 और T4 का निर्माण कर रही थी, ठीक है। अब क्या होगा, थर्ड एटियोलॉजी है टॉक्सिक डिफ्यूज गोइटर, इसको बोलते हैं ग्रेव डिजीज, ग्रेव डिजीज स्किन पे आप फोटो देख लो। ओके, ग्रेव डिजीज या टॉक्सिक डिफ्यूज गोइटर क्या होता है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बताया था, खुद की जो बॉडी के एंटीजन है यदि उनको अपनी बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है तो एंटीजन के रूप में उसको एक्सेप्ट करती है और अगेंस्ट उसके एंटीबॉडी का निर्माण कर देगी। ऑटो इम्यून डिजीज है ये। ओके, ऑटो इम्यून डिजीज है तो एंटीबॉडी बनेगी और वो थायरॉइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है, ये एंटीबॉडी बनेगी इसमें थायरॉइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन। अब थायरॉइड है उसको स्टिमुलेट कर देगी, क्योंकि जो TSH है वो एक तेज है, TSH थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इंटरेक्ट करती है, TSI एंटीबॉडी जब एक्टेज TSH करेगी तो प्रोडक्शन होगा, स्टिमुलेशन होगा, पहले तो थायरॉइड फॉलिकल्स है उसका स्टिमुलेशन होगा, फिर T3 और T4 उनका प्रोडक्शन हो जाएगा, T3 और T4 का प्रोडक्शन होगा, उससे पहले ये TSH है उसका लेवल इंक्रीज होगा, ठीक है। TSH का लेवल इंक्रीज हुआ, साइज है फॉलिकल सेल्स की वो भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, और टॉक्सिक डिफ्यूज गोइटर हो जाएगा। अब इसको समझते हैं अपन, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, टॉक्सिक डिफ्यूज गोइटर, ये ऑटोइम्यून डिजीज होती है, इसकी जो एंटीबॉडी होती है थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन, अब इम्यूनोग्लोबिन है ये एंटीबॉडी, इसकी एंटीजन है ये और एंटीबॉडी ये इसके खिलाफ बन रही है, तो थायरॉइड ग्लैंड उसका एंटीजन था, अब ये थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की तरह एक्ट करेगी, इसकी तरह एक्ट करेगी, देखते हैं इसको टॉक्सिक डिफ्यूज गोइटर हो रहा है, ये उसकी इटियोलॉजी है, यदि किसी व्यक्ति में गोइटर या ग्रेव डिजीज वो कोज हो रही है तो ये ऑटो इम्यून डिजीज होती है, ऑटो इम्यून डिजीज इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी, थायरॉइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन वो एंटीबॉडी बनेगी, और ये TSI एंटीबॉडी है वो एक्ट एज ए TSH थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन उसकी तरह एक्ट करती है। ओके, अब TSI है वो एक्ट करेगी TSH के लिए, TSH क्या करती थी, जो फॉलिकुलर सेल्स है उनको स्टिमुलेट करती थी, ठीक है, फॉलिकुलर सेल्स है उनको थायरॉइड बनाने के लिए स्टिमुलेट करती थी, ठीक है, और इसमें इंक्रीज द TSH का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो फॉलिकुलर सेल्स है वो पहले छोटी थी साइज में, अब उनकी साइज वो बड़ी हो जाएगी, ठीक है, उनकी साइज यदि बड़ी होगी तो क्या करेगी, T3 और T4 का प्रोडक्शन है वो ज्यादा करेगी, और साइज बड़ी होने से जो गोइटर है टॉक्सिक डिफ्यूज गोइटर वो हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो रहा है, ठीक है, इन्फ्लामेशन होने से टॉक्सिक डिफ्यूज गोइटर हो जाएगा। ओके, बता दिया मैंने TSI है, TSH कितना एक्ट करता है, TSH का कवर का आपको पता है, TSH क्या करेगा, स्टिमुलेट थायरॉइड फॉलिकल से उसको स्टिमुलेट करेगा, इसका लेवल इंक्रीज होगा थायरॉइड का, फॉलिकल सेल है उसकी साइज बढ़ जाएगी, तो साइज बढ़ने से टॉक्सिक डिफ्यूज गोइटर हो जाएगा। ओके, अब लास्ट जो एटियोलॉजी है इसकी वो है एपोप्टिक एक्टोपिक प्रोडक्शन ऑफ एक्टोपिक प्रोडक्शन ऑफ TSH, TSH का एक्टोपिक प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब TSH का प्रोडक्शन है थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसका प्रोडक्शन थायरॉइड ग्लैंड के अलावा अन्य किसी लोकेशन से हो रहा है,
जो पर्टिकुलर लोकेशन तो है उसके अलावा किसी और अदर लोकेशन से भी हो रहा है, तो उसका लेवल है टीएसएस का वो इंक्रीज होगा, और टीएसएस का लेवल इंक्रीज होगा, थायरॉइड ट्राइप्सिन का लेवल इंक्रीज होगा। ट्राइप्सिन क्या करती है, आयोडीन के साथ रिएक्ट करके T3 और T4 का निर्माण कर देगी। ओके, ये हमको एटियोलॉजी है पूरी वो समझ में आ गई अब तक। इसके बाद अपन पैथोफिजियोलॉजी की बात कर लेते हैं। पैथोफिजियोलॉजी वो ये जो कल आपको बताई थी, कल जैसे आईपो में बताई थी वैसे ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर है, उसके कारण क्या होगा, पेशेंट की जो बीएमआर है वो डिक्रीज हो जाएगी, कार्डिक आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाएगा, और पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस नेगेटिव था अब हो जाएगा नेगेटिव, पहले पॉजिटिव था हाइपो में, पॉजिटिव था और इसमें नेगेटिव हो जाएगा, उसके जस्ट उल्टी है ये। ओके, सो बात करते हैं हम पैथोफिजियोलॉजी की। सो इटियोलॉजिकल फैक्टर है पैथोफिजियोलॉजी में बात कर रहे हैं। पैथोफिजियोलॉजी में जो इटियोलॉजिकल फैक्टर है, जो भी इटियोलॉजिकल फैक्टर अभी अपने देखे, उनके कारण क्या होगा, T3 और T4 उसका लेवल डिक्रीज हो जाएगा, सॉरी उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ओके, T3 और T4 के कारण लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो BMI है वो भी इंक्रीज होगी, बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो भी इंक्रीज होगी। ओके, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो रही है, तो पेशेंट में जो कैलोरी है उसका भी स्टोर नहीं हो रहा, वो एक्सेसिव यूज हो रहा है उनका। ओके, सो इसमें इंक्रीज हार्ट रेट, कार्डिक आउटपुट एंड हाई पीपी मतलब हाइपरटेंशन की कंडीशन बन जाएगी। ओके, और नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस, नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस हो जाएगा। ओके, इटियोलॉजिकल फैक्टर के कारण T3 और T4 उसका लेवल इंक्रीज हो रहा है, BMI इंक्रीज हो रही है, कार्डिक आउटपुट हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, और नाइट्रोजन बैलेंस है वो नेगेटिव हो रहा है। अब इस मैं अब दो पॉइंट की बात कर लेते हैं। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन इसमें क्या हो रहा है, T3 और T4 का लेवल इंक्रीज हो रहा है, इसमें सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है वो क्रिया हो रही है, इसमें सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा तो क्या होगा, हार्ट रेट है वो इंक्रीज होगी, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा, और बीपी है वो इंक्रीज हो जाएगी। हमने देखा था कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन क्या करता है, ऑटोनॉमिक्स नर्वस सिस्टम है उसका पार्ट है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा एड्रेनलिन है उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा, और एड्रेनलिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो वो इंक्रीज हार्ट बीट है हार्ट रेट है उसको इंक्रीज कर देगा, कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज कर देगा, बीपी को इंक्रीज कर देता। और इसी प्रकार हमने हाइपोथायरॉइडिज्म में देखा था कि वहां पे सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है वो डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पे सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है वो इंक्रीज हो रहा है, और वहां पे सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है वो डिक्रीज हो रहा था, जिसके कारण हार्ट रेट कार्डिक आउटपुट और बीपी वो लो हो रही थी और यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। ओके, ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी कंप्लीट है। ये दो टर्म बता दी मैंने आपको कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन और कब इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज हो रहा है। सो नाउ वी स्टार्टेड साइन सिम्टम्स, साइन सिम्टम्स इंपॉर्टेंट है, अब कंपैरिजन करते हुए चलेंगे साइन और सिम्टम का दोनों में, हाइपर में और हाइपो में, तो इजीली याद हो जाएगा आपको। ओके, इसके बाद में पैथोफिजियोलॉजी के बाद में अपन साइन और सिम्टम है उनकी बात करेंगे। ओके, तो साइन और सिम्टम में मैंने कहा हम कंपैरिजन करते हुए चलेंगे। हाइपोथायरॉइडिज्म है, हमने उसमें देखा कि पेशेंट को ठंड ज़्यादा लग रही थी, कोल्ड इंटॉलरेंस हो रहा था, यहाँ पे हीट इंटॉलरेंस होगा, हीट प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगा। ओके, पेशेंट का वेट गेन हो रहा था क्योंकि वहाँ पे पेशेंट है उसमें एक्टिविटी नहीं हो रही थी, यहाँ पे पेशेंट में एक्टिविटी है वो ज़्यादा होगी, जिसके कारण कैलोरी है उसका यूज होगा, और कैलोरी का यूज होगा तो पेशेंट का वेट है वो लॉस हो जाएगा। ओके, मॉइस्ट स्किन शाइनी है, हमने वहां पे देखा था कि जो पेशेंट की स्किन है वो ड्राई है क्योंकि वहां पे स्वेटिंग नहीं हो रही थी, और यहाँ पे एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, ठीक है, स्वेटिंग होगी तो स्किन है वो ड्राई होगी और हेयर है वो शाइनी होगी, चमकते हुए दिखाई देगी अपन को। ओके, पेशेंट को भूख नहीं लग रही थी क्योंकि वो वहां पे एक्टिव नहीं था, एक्टिविटी कोई भी नहीं कर रहा था, कोई ना कोई वर्क कर रहा था, यहाँ पे क्या होगा, पेशेंट यहाँ पे वर्क कर रहा है उसकी एक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है खुद को, तो
इंक्रीज एपेटाइट, उसको भूख ज्यादा लगेगी। पेशेंट में पेरिस्टाइलिस मूवमेंट होगी, उसके जीआई ट्रैक्ट में पेरिस्टाइलिस मूवमेंट होगी, मतलब उसको डायरिया की कंडीशन बार बार होगी, क्योंकि जो उसमें जो भी फूड वगैरह है उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, फूड का वाटर का उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और हाई डायरिया है, और डायरिया हो गया, स्वेटिंग हो गई, इस प्रकार की उसके फ्लूड की एक्सेसिव स्वेटिंग हो जाएगी, और ऐसी भी कंडीशन बन सकती है कि पेशेंट हाइपोवोलेमिक हो जाए, पेशेंट को हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाए, ठीक है, पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकते हैं। इसके बाद में हमने देखा था कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है वो पेशेंट का इंक्रीज होता है, पेशेंट की जो कार्डियक आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाएगा, बीपी है वो इंक्रीज हो जाएगी, और हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी। ओके, पेशेंट की इरेटिबिलिटी, इरेटिबिलिटी मतलब पेशेंट अब थक नहीं रहा, नॉट फटीक, हमने वहाँ पे देखा था फटीक था पेशेंट, अब इसमें इरेटिबिलिटी है, पेशेंट नॉट फटीक है। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होगा, जो मिनरल्स है उनका यूज ज़्यादा होगा, क्योंकि एक्सेसिव अमाउंट में जो वर्क कर रहा है वो, सॉरी, इंक्रीज है एक्टिविटी, वर्किंग एफिशिएंसी उसकी ज़्यादा है, तो जितने भी मिनरल्स है ओके उनका यूज होगा, मिनरल्स का यूज होगा, कैलोरी है वो कम होगी, ठीक है, तो ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन बन जाएगी, ऑस्टियोपोरोसिस। इसके बाद में एक्सोथैलेमस, एक्सोथैलेमस होता है जो आई होती है उसका जो कॉर्निया होता है, कॉर्निया पार्ट वो बाहर उभरा हुआ दिखाई देता है, उसका जो कॉर्निया है वो विजिबल है, वो बहुत ज्यादा होता है, आप स्क्रीन पर देख लिया अभी आपने एक्सोथैलेमस क्या होता है, समझ गए आप। तो ये नॉर्मल साइज सिम्टम होते हैं, उसके जस्ट अपोजिट होते हैं। ओके, अब हम डायग्नोस्टिक और इवैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। डायग्नोसिस चल रहा है अपना, डायग्नोसिस में पहले पहले पेशेंट की हिस्ट्री ले लेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री है वो टेक कर लेंगे, उसके बाद पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन है वो कर लेंगे। ओके, तो इसके बाद मेन अपना है ब्लड टेस्ट करवाएंगे पेशेंट का, ठीक है, ब्लड टेस्ट क्यों करवा रहे हैं, ब्लड टेस्ट में अपन असेस करेंगे कि पेशेंट में थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ब्लड में बढ़ा हुआ है या नहीं बढ़ा हुआ, यदि थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ब्लड में बढ़ा हुआ है तो उससे अपन पेशेंट असेस कर सकते हैं कि इसको हाइपर थायरॉइडिज्म की कंडीशन बनी हुई है, ठीक है, यदि इसका लेवल डिक्रीज है तो पता चल जाएगा अपन को हाइपर थायरॉइडिज्म है या नहीं है, ठीक है, तो अपन ब्लड में असेस करते हैं कि थायरॉइड थायरॉइडिज्म है या नहीं है, टीएसएस का लेवल इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ है। अब इसके बाद में रेडियो एक्टिव अपटेक, रेडियो एक्टिव अपटेक, अपटेक टेस्ट, रेडियो एक्टिव अपटेक टेस्ट क्या होता है, इसमें आयोडीन 123 या आयोडीन, सॉरी आयोडीन 131 है उसका यूज किया जाता है, और आयोडीन 131 क्या करेगी, अपन उसको ओरली पिलाएंगे, ठीक है, आयोडीन का सेवन उसको ओरली करवाएंगे, तो पेशेंट में क्या होगा, पेशेंट में अपन उसको एक घंटे बाद, सॉरी 24 घंटे में उसको तीन बार असिस करेंगे, तीन या चार बार असिस करेंगे विद इन सिक्स आवर में उसको असिस करेंगे, 24 घंटे में तीन या चार बार पेशेंट को असिस करेंगे, और देखते हैं कि थायराइड जो अपने आयोडीन ने उसको दिया है उसका क्या इफेक्ट रहा पेशेंट पे, यदि आयोडीन है पेशेंट का अपटेक आयोडीन में अब बढ़ रहा है, अपटेक है जो पेशेंट का वो आयोडीन में अपटेक है पेशेंट का, तो आयोडीन की जो थायरॉइड ग्लैंड है, थायरॉइड ग्लैंड में इसका अपटेक है वो एब्जॉर्ब हो गया है, ओके एब्जॉर्ब हो गया है, तो अपन को डिटेक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट को पेशेंट को हाइपर थायरॉइडिज्म की कंडीशन है, क्योंकि अब वो थायरॉक्सिन का निर्माण है वो कर देगा। ओके, पेशेंट को अपन आयोडीन ये आयोडीन 131 ओरली देंगे, उसके बाद असिस्ट करेंगे अपटेक देंगे, यदि पेशेंट का अपटेक है, आयोडीन का अपटेक है पेशेंट ने और वो जो थायरॉइड ग्लैंड है उसके द्वारा एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, थायरॉइड ग्लैंड का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, ठीक है, बट लीक हो रहा है, यहाँ से आयोडीन लीक हो रहा है ब्लड वेसल्स में,
ब्लड में इसका लीक हो रहा है तो अपन को पता चल जाएगा कि पेशेंट को थायरोइडाइटिस है, ओके, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो चुका है। सो ओरली देंगे अपन पेशेंट को ये, उससे अपन पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को पेशेंट की जो थायराइड ग्लैंड है उसमें कितना आयोडीन कलेक्ट हुआ है, ओके। अब हम 24 घंटे में चेक करेंगे उसको, ठीक है, चेक करेंगे पेशेंट को, ये देखेंगे कि आयोडीन है वो कितना एब्जॉर्ब हुआ है, थायराइड ग्लैंड है उसने कितना आयोडीन एब्जॉर्ब किया है, ठीक है, और यदि उसने एब्जॉर्ब नहीं किया वहाँ से लीक हो रहा है, ठीक है, तो वो ग्रेविटी चीज हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो चुका है, वो वहाँ से लीक हो रहा है तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन कंडीशन बन रही है, ठीक है। रेडियो ऑप्टिक स्पेक्ट्रम हो गया, इसके बाद में है थायरॉइड स्कैनिंग, थायरॉइड स्कैन, थायरॉइड स्कैन है उसमें क्या होगा, पेशेंट है उसकी जो वेन है नेक की वेन ले सकते हैं, नेक की वेन लेंगे वहां से पेशेंट को रेडियोएक्टिव, वहां से पेशेंट को रेडियोएक्टिव आइसोटोप, पेशेंट को रेडियोएक्टिव आइसोटोप वेन के थ्रू एंटर करवाएंगे, ठीक है। अब वहां पे जो रेडियोएक्टिव आइसोटोप है उसकी जो इमेज है वो कंप्यूटर पे अपन को देखने को मिलेगी, ठीक है, कैमरा लगाएंगे तो उसकी इमेज अपन को कंप्यूटर में देखने को मिलेगी और हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि जो थायराइड ग्लैंड है उसमें कितना आयोडीन है वो कलेक्ट हुआ है, ठीक है, कि यहाँ पे आयोडीन की जो इंक्रीज हुआ है यहाँ पे आयोडीन उसी को चेक कर रहे हैं, या डिजीज है वो आयोडीन की आयोडीन है उसके इंक्रीज के कारण हो रही है तो अपन आयोडीन का जो एलिवेशन है वो चेक कर रहे हैं यहाँ पे, ओके, ये हो गया। इसके बाद नॉर्मल अपन जो थायराइड ग्लैंड है उसकी इमेज को चेक करने के लिए सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे, थायराइड अल्ट्रासाउंड है, ठीक है, अपन इनको करवा सकते हैं, ये टेस्ट है, हम थायराइड की ग्लैंड है उसकी इमेज को देखने के लिए हम ये टेस्ट करवा सकते हैं, ओके। अब इसके बाद हम मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं छोटा सा, ठीक है, देख लेते हैं हम। अपन इसके बाद मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो मैनेजमेंट में सबसे पहले अपन मेडिकल मैनेजमेंट है वो देखेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट में रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी, पेशेंट को एड्रिनल ग्लैंड थी उसमें ट्यूमर होता था, एड्रिनल ग्लैंड में ट्यूमर हो रहा था, ट्यूमर क्या थी, कैंसर सेल है जो क्या करेगी, साइज है पॉपुलेशन उसको इंक्रीज करेगी, बार बार रिप्रोडक्शन करेगी और अपनी कम्युनिटी उसको इंक्रीज करेगी, उसके लिए अपन आयोडीन थेरेपी है उसका यूज में लेंगे। जो आयोडीन की विकिरण होती है, जो रेडिएशन होती है आयोडीन की जो रेडिएशन है वो क्या करेगी, कैंसर सेल है उनको डिस्ट्रॉय कर देगी, और कैंसर सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ट्यूमर से वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी थायराइड सेल से, यहाँ पे क्या है वो थायराइड सेल है, थायराइड सेल ये इनको डैमेज कर देगी, यदि थायराइड सेल डैमेज हो गई तो अपना ट्यूमर फॉर्मेशन था वो डैमेज हो जाएगा और पेशेंट है वो ठीक हो जाएगा, ओके। इसमें जो आयोडीन है वो 123 या आयोडीन 131 ये विकरण हम यूज में लेते हैं पेशेंट के जो ट्यूमर है उसको डैमेज करने के लिए। इसके बाद एंटी थायरॉइड मेडिकेशन क्या होती है, जो पेशेंट में साइन सिम्टम्स आ रहे हैं थायरॉइड के उनके अगेंस्ट में अपन जो ड्रग्स देते हैं उसको, ठीक है, वो एंटी थायरॉइड ड्रग्स हो गई। जो इसमें मेन ड्रग्स है, ड्रग्स ऑफ चॉइस मेन ड्रग्स पूछता है वो होती है प्रोपीथायो यूरेसिल ड्रग्स है वो पेशेंट की, सॉरी जो डॉक्टर्स की वो ड्रग्स ऑफ चॉइस होती है, ये अपन इसमें यूज में लेते हैं। और हाइपो में देखा था हमने ड्रग्स ऑफ चॉइस लिवोथायरोक्सिन, ये हाइपो में थी और यहाँ पे प्रोपीथायोक्सिन। इसके बाद में एक ड्रग्स और है मेथिनाजोल जो ड्रग्स है ये अपन नेपो लेते हैं। तो
ड्रग्स ऑफ चॉइस तो प्रोफिथायोजुरक्सिन होगी, और एक अन्य ड्रग्स है मेथिथायोजिन, ओके मेथिथायजोल होगी, ये एंटी थायरॉइड ड्रग्स है, उसके सिम्टम्स से साइन है उनको धीरे धीरे नष्ट कर देगी, ओके और हाइपर जो सीक्रेशन हो रहा था उसको रोकेगी। इसके बाद हम एंटी हाइपरटेंशन ड्रग है उसको देख लेते हैं, क्योंकि तो पेशेंट में स्टिमुलेशन इंक्रीज हो रहा था सिंपेथेटिक स्टिमुलेशन, तो उसको हाइपरटेंशन होगा, और हाइपरटेंशन के लिए अपन उसको बीटा ब्लॉकर दे देंगे। बीटा ब्लॉकर्स क्या करेंगे, बीटा ब्लॉकर्स में उसको प्रोपेनॉल प्रोपेनॉल वगैरह दे देंगे। प्रोपेनॉल क्या करेगा, उसमें हार्ट रेट है उसको डिक्रीज करेगा, ठीक है, और नॉर्मल हार्ट रेट हो जाएगी पेशेंट की। आयोडीन है, डाइट है उसकी, उसमें आयोडीन का लेवल है वो कम रखेंगे, ठीक है, आयोडीन का लेवल उसमें कम रखेंगे, और डाइट में फैट ट्यूब फैट है उसका एक लेवल है वो बढ़ा देंगे, प्रोटीन का लेवल है वो इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि जो कैलोरी का जो यहाँ पे यूज हो रहा है एक्सेसिव यूज हो रहा है कैलोरी का वो अपने को देखने को मिलता है, तो पेशेंट का फैट प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है उनका लेवल बढ़ा देंगे। और ये क्या, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण ग्रेव डिजीज हो रही थी उसके लिए अपन उसको, ऑटो इम्यून डिजीज हो रही थी इसके लिए अपन उसको इम्यून सप्रेसिव टेबलेट्स है वो दे देंगे। इम्यून सप्रेसिव टेबलेट क्या होती है, इम्यून सिस्टम में उसको सप्रेस कर देगी, इसके कारण एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है वो नहीं हो पाएगी अच्छे से, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगी तो ऑटो इम्यून डिजीज है वो कोज नहीं होगा, ठीक से। कॉर्टिको स्टेरॉइड स्टेरॉइड टेबलेट लेंगे, स्टेरॉइड डेक्सामेथासोन, डेक्सामेथासोन, ओके। डाइट की बात कर ली हमने, मैनेजमेंट की बात कर ली है, मेडिकल मैनेजमेंट हो गया, सर्जिकल मैनेजमेंट बात करते हैं हम। सर्जिकल मैनेजमेंट देखिए इसका, तो थायरोडेक्टोटोमी जो थायरोड ग्लैंड है उसको रिमूव कर देंगे अपन, ठीक है, थायरोड ग्लैंड को रिमूव कर दिया, उसके लिए जो पोजीशन है वो रोज पोजीशन देंगे पेशेंट को, रोज पोजीशन क्या होती है, पेशेंट है उसको फ्रेट जो बेड है उसमें पेशेंट को फ्रेट सुला देंगे, और उसकी जो नेक है उसको एक्सटेंड हाइपर एक्सटेंड कर देंगे, नेक को हाइपर एक्सटेंड करने से जो थायराइड ग्लैंड है उसका जो एरिया है वो इंक्रीज हो जाएगा, और यहाँ से वो डॉक्टर है वो कट लगा देगा, कट लगा के सीधे से हाइपर थायरोडेक्टोमी है वो कंप्लीट करेगा, जो हाइपर जो थायराइड ग्लैंड है उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। ये रोज पोजीशन हो गई, कई की बार इसमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है हमको, कि जब इसका ऑपरेशन करते हैं जब इसकी सर्जरी होती है तो जैसे ये इसकी सर्जरी होती है तो यहाँ पे पैराथायरॉइड ग्लैंड पाई जाती है चार, यदि इनमें कट लग जाता है तो कैल्शियम का लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, सॉरी कैल्शियम का लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा, और कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो हाइपो कैल्शियमिक सिचुएशन बन जाएगी, ठीक है, और यदि हाइपो कैल्शियमिक सिचुएशन बन गई तो वहाँ की जो मसल्स है उस पर स्पैम हो जाएगा, मसल्स है स्पैम हो जाएगा, और एयर वे है वो ब्लॉकेज हो जाएगा, एयर वे नहीं हो पाएगा, ठीक है, एयर को वेन नहीं मिल पाएगा और वो ब्लॉकेज एरिया हो जाएगा। लगभग अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, और एक चीज, हाँ यहाँ पे पेशेंट को ये पैराथायरॉइड ग्लैंड है उस पे पेशेंट को यदि कट लग जाए सूचर लग जाए तो डॉक्टर इसके लिए पहले से इंस्ट्रक्शन क्या रखते हैं, वहां पे ट्रे में एक रखता है ट्रेकोस्टोमी ट्रे, ये इंस्ट्रूमेंट पेशेंट क्या रखते हैं, ओके, ताकि उसको पैराथायरॉइड ग्लैंड है उसको किसी प्रकार की डैमेज या उसको किसी भी प्रकार की हानि ना पहुंचे, ओके। सो अपना चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुका है, ओके, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करें, ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। सभी को कमेंट करना है वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, और कमेंट करना है सभी को कि वीडियो कैसा है, यदि कोई और इम्प्रूवमेंट चाहिए तो बोल देना वीडियो में, ठीक है, ओके, गुड नाइट।